आप देख रहे हैं TNB। सिखों के लिए गुरु नानक जयंती बहुत बड़ा त्योहार होता है। ये दीपावली की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती की गुरुपूरब प्रकाश पर्व या गुरुपूरब के नाम से भी बुलाया जाता है। बता दें कि इस साल ये 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इसी दिन सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यह हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस दिन सिख धर्म के लोग प्रभात फेरी लगाकर गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला गुरु नानक जयंती इस बार 19 नवंबर यानी कि आज के दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सिखों का विशेष पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। आइए अब जानते हैं गुरु नानक जयंती के महत्व के बारे में। सिखों का विशेष पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी कारण इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1459 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ननकाना साहिब में पड़ता है। इस जगह का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम पर ही पड़ा है। वहीं गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन के साथ भक्तों के लिए लंगर लगता है। इस दिन गुरुद्वारे में रुमाल चढ़ाने का रिवाज होता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा से गुरुद्वारे में कोई न कोई सेवा जरूर देते हैं। यहां सेवा का अवसर पाना बहुत पुण्य माना जाता है। साथ ही इस दिन गुरुबाणी का पाठ भी करते हैं। वहीं श्री गुरु नानक देव जी के 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में गुरुद्वारे जगमगा उठे हैं। जी हां, बता दें कि इस खास अवसर पर दिल्ली के सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सजाकर तैयार किया गया है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से इस मौके पर बड़े लेवल पर इसका जश्न नहीं मनाया गया था, लेकिन इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ और दिल्ली के सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे को सजाया गया है, जहां देश विदेश से आए रागी जत्थे कीर्तन करेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं इन मनमोहक तस्वीरों पर। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से 355वें श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिल्ली के सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे सज धज के तैयार हैं। साथ ही आप सभी को हमारे चैनल TNB और हमारे पूरे टीम की तरफ से श्री गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाहेगुरु आप सभी को चढ़दिया कल्ला में रखे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।